सर पिछले 18 सालों से यहाँ पर इलेक्शन भी हुआ ही नहीं यहाँ पर, और जो भी सिलेक्शन कमेटी बनी मतलब सिलेक्शन भी बनी है, जिसके मन में उसको अंदर कॉप कर लिया, किसी को बाहर निकाल दिया, यहाँ तक कि जो कमेटी बनी थी उस उन मेंबरांस के नाम तक लोगों को नहीं मालूम है। तो हमने उसके लिए आवाज़ उठाई कि इलेक्शन प्रॉपर इलेक्शन करो, जस्ट एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन उसके लिए क्या था, काफ़ी क्लॉज ऐसे बने हुए थे जैसे ऑर्डिनरी मेंबर इलेक्शन लड़ नहीं सकता, सबसे पहला क्लॉज यही था। तो उसको अमेंड करने की हम लोग आवाज़ उठाए। सबसे पहले मीटिंग हुई 27 दिसंबर को, जो AGM कॉल किया गया उसमें भी इनका प्रपोजल यही था कि लेट दिस कमिटी कंटिन्यू फॉर मोर 3 ईयर्स। सो वी ऑब्जेक्टेड एंड इट वॉज एक क्रिएट हो गया कमेटी के अंदर, एंड देवर फोर्स टू कम फ्रॉम द पोजिशन। उसकी और करप्शन बहुत था यहाँ पर, किसी को सुनी नहीं जाती थी यहाँ पर, और काफ़ी चीज़ें मनमानी चल रही थी शुरू से। वे अगर एक आदमी को ब्लेम करें तो ठीक है, लेकिन सारी कंपनी इन्वॉल्व थी इसमें अब तक तो। या और कोई भी चीज़ यहाँ तक के फाइनेंशियल भी इतने भी समय से मिस यूज़ यहाँ पर हुआ है कि इसको हद नहीं है। और कोई चीज़ लीगल नहीं है यहाँ पर, ना इलेक्शन, ना कंस्ट्रक्शन, कोई चीज़, हर चीज़ बतौर ऐसे ही चल रही है, मनमानी चल रही है। 24 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है। जी जी जी, इससे आपको कितनी उम्मीद है कि यह ट्रांसफर इलेक्शन होगा? सर ये पहली बार यहाँ की जिमखाना हिस्ट्री में पहली बार फेयर एंड फेयर इलेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जो अभी जो कमेटी हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, जिसको हम लोग चाहते हैं अच्छे लोग यहाँ पर आए, और जिमखाने में मेम्बर्स फैसिलिटीज दे, ये एक स्पोजिशन है, इसको बना दिया है लोगों ने बिल्कुल अपना खुद का जमात खाना। हम लोग चाहते हैं यहाँ पर कि हमारे कौम के लोगों को, हमारे कौम के बच्चों को यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिले, हर तरह से फैसिलिटीज मिले, और लोग यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए आए। पर में स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग मेम्बरान ने बुलाई थी, तकरीबन 137 मेम्बर ने रिक्विजिशन दे दिया। रिक्विजिशन देने के बाद में मैनेजिंग करंट जो मैनेजिंग कमेटी है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को बोर्ड पे लगा के तमाम मेम्बरान को बता दिया कि 21 दिसंबर 2019 को हमने AGM कॉल की है। तो तकरीबन 200 के ऊपर मेंबर वो AGM में आए, अटेंड किए। अटेंड करने के बाद में सभी मेंबर ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो ऑर्डिनरी मेंबर है जिमखाना के, उनका जो कंटेस्टिंग राइट जो 11 फरवरी 2017 के अमेंडमेंट में छीन लिया गया था, वो वापस से हमने उसको रिटेन कर दिया, वापस दे दिया।